ओके अब देखिए मिस्टर चिराग, दूसरा रूल जो हमें प्रूव करना है वो ये प्रूव करना है, कोसाइन रूल। ये भी आपने 9th 10th में किया हुआ है, इसका प्रूफ नहीं किया होगा मिस्टर चिराग, ठीक बात कर रहा हूँ? यस ओके, पहले तो यार इसको लिखते कैसे हैं, या एटलीस्ट मैंने कैसे याद किया हुआ है, पहले वो समझ लीजिए। देखिए, कॉस ए इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ बी सी। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? समझ देखिए, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर, दो साइड्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। इसको भी फ्रॉम द एंगल ऑफ यूनिट्स अगर आप समझें, तो अगर वी हैव अंडरस्टूड की जो ए बी सी है वो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि दीज आर द लेंथ ऑफ द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल। तो इसके लेट अस अज्यूम की जो यूनिट है वो सेंटीमीटर है। तो अगर न्यूमरेटर में सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसको बैलेंस करने के लिए नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर ही चाहिए, क्योंकि ये साइड पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो कि यूनिटलेस है। चिराग जी, नहीं समझ में आया? समझो। अबाजी को डाउट है? पहले तो फॉर्मूले का लॉजिक समझ लीजिए, मतलब फॉर्मूला कई बार भूल आएगा, तो याद रखिए इसको लिखते कैसे हैं। कॉस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ बी सी। चलो जी, समझ में आया? सर इसका जो भाई होगा वो क्या होगा? कॉस बी इज इक्वल टू, चलो जी बोलिए। सर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 ac। इसका तीसरा भाई बताइए। सर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2 ab। अब आजी कोई डाउट? नहीं सर। तो पहले तो ये याद कर लीजिए कि फॉर्मूला याद कैसे करना है। इसका एक्चुअली इसका एक डिस्टेंट कजन, डिस्टेंट कजन, एटलीस्ट मुझे इसका ये डिस्टेंस कजन लगता है, वो लगता है वो क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला। एक्स इज इक्वल टू, बोलिए मिस्टर चिराग, क्या फॉर्मूला है? सर माइनस बी प्लस माइनस √ b² माइनस 4 ac अपॉन 2 a। मुझे इसका ये डिस्टेंट कजन लगता है, थोड़ा बहुत अगर आप देखेंगे थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। अब बात ही समझ आया? कोई डाउट है सर? नहीं सर। हाँ, 0.2 a होगा, सॉरी गलत लिख दिया। कोई डाउट है सर? नहीं सर। अब सर ये जो फॉर्मूला है, ये आपने चिराग आपने जब पहले किया था तब तो इसका प्रूफ नहीं था, अब इसका प्रूफ होगा। वो प्रूफ सिंपल सा है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, 2 मिनट में वो प्रूफ भी देख लीजिए। पहले ये बुक से आपको समझा देता हूँ। देखिए क्या किया, कोई भी रैंडम ट्राइंगल ले लिया ए बी सी, ये ए बी सी कोई रैंडम ट्राइंगल है। अब देखिए, ये अगर मेरे पास कोई ट्राइंगल है, सॉरी, ये अगर मेरे पास कोई ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल मैं ऐसे बना सकता हूँ, ऐसे बना सकता हूँ, ऐसे बना सकता हूँ, ऐसे बना सकता हूँ, कैसे भी बना सकता हूँ। अपाजी, डू यू अग्री? ट्राइंगल तो कैसा भी हो सकता है यार। अब सिर्फ थोड़ा सेंटिटी लाने के लिए मैं अपने ट्रायंगल को बोलता हूँ कि यार तू ऐसा कर, मस्ती करना बंद कर, सिर्फ एक मेरे लिए छोटा सा काम कर कि तू अपनी जो दो साइड्स हैं, मतलब अपनी जो एक साइड है वो मेरे एक्सिस के साथ मैच कर दे। मेरी बात समझ आई या नहीं आई? तो फॉर एग्जाम्पल ये ट्राइंगल है, इसको मैं बोल सकता हूँ ना कि यार अपनी एक साइड जो है वो मेरे एक्सिस के हिसाब से रख दे, मैं अपना जो एक्सेस है वो टेढ़ा कर देता हूँ। अब अजी, मेरा लॉजिक समझ आ रहा? नहीं यार, सर ट्राइंगल जैसा भी टेढ़ा मेढ़ा, यार आप सिर्फ उसको ये रिक्वेस्ट कर रहे हो कि यार अपनी एक साइड जो है वो एक्सेस पे रख दे। तो ये लॉजिक आपको समझ आ गया जो मैं बोल रहा हूँ? अगर आपको ये लॉजिक समझ आ गया, फिर देखिए फिर तो इस डेरिवेशन में और कुछ खास नहीं है। अगर ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है,
तो ये तो ओरिजिन पे है बेसिकली, ये तो ओरिजिन पे है, ये सारे तो ओरिजिन पे है, क्योंकि ये ओरिजिन पे है तो ये तो सारे जीरो जीरो होने वाले हैं। चिराग समझ आ रहा मैं क्या करूं? अच्छा, ए के सामने जो साइड होती है वो ए होती है, बी के सामने जो साइड है वो बी है, सी के सामने जो साइड है सी है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर ये लॉजिक आपको समझ आ गया, अगर ये सी है तो चिराग ये वाला पॉइंट क्या होगा? सर 0.C, नहीं सॉरी 0.0। C,0। अब बाजी कोई डाउट? तो ये जो पॉइंट है ये क्या होगा? C,0, ये होगा C,0, ये होगा C,0। अब बात रह जाती है इस पॉइंट की, ये ऊपर वाले पॉइंट की, इसकी डिस्कशन हम कर लेते हैं। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट तो क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। चिराजी डू यू अग्री? यस सर। अच्छा, ए के सामने लेंथ ए है और बी के सामने लेंथ बी है, इसमें कोई डाउट है? नहीं सर। अब देख लीजिए, तो हमें ये समझना है कि ये बी कॉस ए कहाँ से आ गया और ये बी साइन ए कहाँ से आ गया। और फिर से समझदार हो, यहां से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो और यहां से मैं यहां एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं, तो ये मेरी लेंथ और ये मेरी लेंथ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से मैं निकाल सकता हूँ, हाँ या ना? यस कैसे निकाल सकता हूँ? अगर आप थोड़ा भी समझने की कोशिश करेंगे, लेट अस अज्यूम मुझे इसको निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको ले लेता हूँ, ए को ले लेता हूँ, तो मैं साइन ए को लिखता हूँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर मेरा किसके इक्वल हो जाता है? बी साइन ए। सर कोई डाउट? सर। तो बी साइन ए मेरा परपेंडिकुलर है, जबकि परपेंडिकुलर होता क्या है? मेरा वाई कोऑर्डिनेट होता है, इसलिए ये बी साइन ए आ गया। सर कोई डाउट है? नहीं सर। उसी तरह अगर मैं लिखता हूँ कॉस ए, कॉस ए किसके इक्वल होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के। तो कॉस ए किसके इक्वल होगा? बेस, ये मेरा बेस, ये वाला बेस, ये बेस मेरा बेसिकली ये होगा एक्स, तो एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज मेरा क्या है? बी, तो एक्स क्या हो गया? बी कॉस ए। सर कोई डाउट? नहीं सर। अब आजी कोई डाउट है? तो मैंने ट्रायंगल कौन सा लिया? मैंने ट्रायंगल लिया ये वाला ट्रायंगल लिया, ये वाला ट्रायंगल लिया, ये ट्रायंगल का मैंने बेस निकाल लिया और इसी ट्रायंगल का मैंने परपेंडिकुलर निकाल लिया। ये देखिए, पहले मैंने बेस निकाला था, जो बेस था वो ये था, और फिर मैंने इसका परपेंडिकुलर निकाला जो कि ये है। सर कोई डाउट है? नहीं सर। ओके, तो बेसिकली अब मैं पहुंच गया, ये जीरो जीरो है, ये सी जीरो है, और ये मेरा बी कॉस ए और सी साइन है। सर यहाँ तक तो कोई डाउट है? नहीं सर। चला जी, कुछ समझ आया? नहीं सर। ओके, देखिए हमें ये प्रूव करना है कि कॉस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, ये प्रूव करना है हमें। यस सर। ओके, तो मैं इसको पहले थोड़ा सा मैनुपलेट कर लेता हूँ, इसको मैनुपलेट। यार देखो, मैं आपको सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने इस फॉर्मूले को ऐसे याद किया होगा, दिस इज हाउ आई हैव मेमोराइज्ड। इफ यू आर कंफर्टेबल विद दिस फॉर्मेट ऑफ द फॉर्मूला तो भी चलेगा। चिराग जी मेरी बात समझ रहे हैं आप? यस सर। एक सेकंड यार। तो चिराग जी देखिए, अब मैंने इसको मेमोराइज किया होगा ऐसे, cos a is equal to b square plus c square minus a square upon 2bc करके। अगर आप इस फॉर्मेट से हैप्पी हैं, a square is equal to b square plus c square minus 2bc cos a, तो भी चलेगा। सिराज जी मेरी बात समझ आ रही? यस सर। बट क्योंकि मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, तो मैं इसको, ये जो फॉर्मेट है जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है, इस फॉर्मेट में मैंने इसको रिड्यूस कर दिया। आपको मेरी बात समझ आ रही जो मैं बोल रहा हूँ? यस सर। और सर अब मैं क्या करने की कोशिश करूंगा, मैं लेफ्ट हैंड साइड को लूंगा और लेफ्ट हैंड साइड को लेके आई विल ट्राई टू प्रूव इट टू द राइट हैंड साइड। आपको मेरी अप्रोच समझ में आ गई?
यस सर, तो सर ए स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है? ये देखिए, इसके इक्वल, ये वाली साइड के इक्वल। आपको बात समझ आई? यस सर। अब सर ये जो साइड है, जो ये बीसी साइड है, बीसी साइड के, यहां लिख देता हूं, देखिए बीसी साइड के दो एजेस हैं। एक जो एज है वो है बी, बी जो है वो इक्वल है सी कॉमा जीरो के, और सी जो है वो इक्वल है पी कॉस ए कॉमा पी साइन ए के। सर कोई डाउट है? नहीं सर। अच्छा, ये जो बी सी है इसकी जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू ए, और अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं तो आई नो कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी, या मैंने यहां पर ये लिखा हुआ है तो मैं ऐसे लिखता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ए स्क्वायर वुड बी इक्वल टू सी माइनस बी कॉस ए का स्क्वायर प्लस जीरो माइनस बी साइन ए का स्क्वायर। सर कोई डाउट है? हाँ सर, ये नहीं समझे। अच्छा ओके, फिर से समझाता हूँ। ओके आपको डिस्टेंस फॉर्मूला तो याद है? यस सर। ये एक्स वन वाई वन है, ये एक्स टू वाई टू है, तो डिस्टेंस फॉर्मूले के हिसाब से अगर ये बी है, ये सी है, और लेट अस अज्यूम ये फिर से ए है, तो ए वुड बी इक्वल टू एक्स वन माइनस एक्स टू का स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का स्क्वायर। सर कोई डाउट है? नहीं सर। कोई डाउट है तो पूछिए। नहीं सर, ये पता है। तो अब देखिए, अगर आप कंपेयर करेंगे, अगर आप कंपेयर करेंगे तो x1 किसके इक्वल है? c के। y1 किसके इक्वल है? 0 के। x2 किसके इक्वल है? b cos a के। और y2 किसके इक्वल है? b sin a के। सर कोई डाउट है? नहीं सर, समझ। तो x1 minus x2 whole square को मैं कैसे लिखूंगा? c minus b cos a का whole square। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, कोई डाउट है? नहीं सर। और y1 minus y2 square को मैं लिखूंगा 0 माइनस बी साइन ए का होल स्क्वायर, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। कोई डाउट है? नहीं सर। बाजी कोई डाउट है क्या? नहीं सर। तो डिस्टेंस फॉर्मूला ही लिखा रहे हैं, और पूरा लेक्चर हम डेरिवेशन में इसलिए लिखा रहे हैं बिकॉज आपके बोर्ड में डेरिवेशन आती है, तो आपको डेरिवेशन क्लियर होनी चाहिए। तो या तो क्वेश्चन आएगा या डेरिवेशन आएगी, समझ लीजिए। और ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप जब पहली बार सुनते हैं तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट इसी वीडियो को अगर दोबारा देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। इट इज प्रीटी ऑब्वियस, कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। डाउट रहेगा तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझा भी दूंगा, फिर से समझा दूंगा, बट ज्यादा कोई डाउट वाली बात नहीं है। बात समझ आ रही? यस सर। ओके, तो अब ये स्क्वायर है, इसको मैंने खोल लिया, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए माइनस टू बी सी कॉस ए, और ये किसके इक्वल हो गया? बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। कोई डाउट है सर? नहीं सर। ये बी स्क्वायर है सर, ये बी स्क्वायर है, तो ये मैंने बी स्क्वायर बाहर कॉमन ले लिया, और अंदर क्या आ गया? कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर है। बाकी और क्या क्या बचा? सी स्क्वायर, वो सी स्क्वायर यहाँ पर है, माइनस टू बी सी कॉस ए, वो माइनस टू बी सी कॉस ए यहाँ पर है। सर कोई डाउट है? नहीं सर। तो ये कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर है तो वन के इक्वल हो गया, तो सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू बी सी कॉस ए, and this is equal to my right hand side. Koi doubt hai sir? Nahi sir, samajh gaya. Abhi koi doubt hai? Ye agar hum is pe file pe dekhte hain apni, agar file pe bhi dekhenge, I think is pe thoda shortcut mara hua. To ye b cos a aur b sin hai, main ek baar isko, अगर वहाँ थोड़ा कचरा हो गया तो यहाँ फिर से बता देता हूँ। ये देखिए माय फ्रेंड, ये हमारे दो पॉइंट्स थे, ये देखिए एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये था, तो बी सी जो था, बी सी लाइन जो है उसके दो एंड्स हैं, एक एंड तो ये है बी जो कि सी कॉमा जीरो है, और
दूसरा पॉइंट है सी, जो कि बी कॉस ए कॉमा बी साइन ए के इक्वल है। चलो आगे समझ आया? यस सर। फिर यार मैं सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूँ, डिस्टेंस फॉर्मूला किस हिसाब से लगा रहा हूँ, आई अंडरस्टैंड। मेरी जो इस चैप्टर में मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि ए के सामने जो लेंथ ऑफ साइड है उसको ए बोला जाता है। तो डिस्टेंस मतलब अगर लेंथ ऑफ, मैं ऐसे लिख देता हूँ, लेंथ ऑफ बी सी इज इक्वल टू, अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊँ तो इसी के इक्वल होगी ना, सी माइनस बी कॉस ए का स्क्वायर प्लस जीरो माइनस बी साइन ए का स्क्वायर। मेरी बात समझ में आई? Yes, तो लेंथ ऑफ बी सी किसके इक्वल है? ए के इक्वल है। ए इज इक्वल टू रूट सी माइनस बी कॉस ए का स्क्वायर प्लस बी साइन ए का स्क्वायर। दोनों तरफ मैंने स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी माइनस बी कॉस ए स्क्वायर प्लस बी साइन ए स्क्वायर। तो इसके बाद आप बेसिक मैनिपुलेशन करते हैं तो आपको आ जाता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए माइनस टू बी सी कॉस ए प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर। फिर ये जो है कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर है ये कॉमन आएगा आपके सामने जैसे किया, तो ये रिजल्ट आ जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू बी सी कॉस ए। चलो जी कोई डाउट? नो सर।